नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत के द्वादशा पाठा यानी पाठ 12 करण कारकम को पढ़ेंगे। बच्चों, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है और तृतीया विभक्ति का जो चिन्ह होता है वह क्या होता है? से या के द्वारा। ठीक है, जिस साधन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं और इसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो चलिए सभी लोग अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 82। सबसे पहले हम पाठ के अनुवाद को जानेंगे। यहां पर देखिए, शिक्षिका और छात्रा के बीच में कुछ वार्तालाप हो रहा है जिसका अर्थ हम जानेंगे। शिक्षिका, सबसे पहले शिक्षिका यानी अध्यापिका कहती है, नमस्ते छात्रा, विद्यार्थियों नमस्कार। छात्रा, अब विद्यार्थी क्या कहते हैं? नमस्ते महोदय, नमस्कार महोदया। शिक्षिका, अब अध्यापिका बोलती है, मालिनी, मालिनी को उपकार के कहती है कि हे मालिनी, तुम कथम विद्यालयम आगच्छसि। तुम मीन्स तुम, कथम मीन्स कैसे, विद्यालयम मतलब विद्यालय को, आगच्छसि मीन्स आती हो, तुम विद्यालय कैसे आती हो। मालिनी, अब मालिनी क्या कहती है? अहम बस यानेन विद्यालयम आगच्छामि। अहम मीन्स मैं, बस यानेन मतलब बस से या बस के द्वारा, विद्यालय आगच्छामि मीन्स आती हूँ मैं विद्यालय। मालिनी कहती है कि मैं बस से विद्यालय आती हूँ। शिक्षिका, अब शिक्षिका क्या कहती है? अध्यापिका गजेंद्र, वह गजेंद्र को पुकारती, कहती है, हे गजेंद्र, किम तुम अपि बस यानेन एव विद्यालयम आगच्छसि। गजेंद्र, किम मीन्स क्या, तुम मीन्स तुम, अपि मीन्स भी, बस यानेन बस से, एव मीन्स ही, विद्यालयम मतलब विद्यालय को, आगच्छसि आते हो। हे गजेंद्र, क्या तुम भी बस से ही विद्यालय आते हो? गजेंद्र, अब गजेंद्र क्या कहता है? ना महोदय, नहीं महोदया, अहम द्विचक्रिकया विद्यालयम आगच्छामि। द्विचक्रिया मीन्स होता है साइकिल। अहम, मैं साइकिल से विद्यालय आता हूँ। शिक्षिका, अब अध्यापिका क्या कहती है? अर्चने, अब वो अर्चना को पुकारती है, हे अर्चना, तुम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो? अर्चना, अब अर्चना क्या कहती है? शिक्षिके, अहे अध्यापिका, अहम वर्ण लेखन्या, वर्ण लेखन्या मीन्स होता है स्केच पेन, वर्ण लेखन्या मीन्स स्केच पेन, सुभाषितम लिखामि। सुभाषितम मीन्स होता है सुंदर वचन, मैं स्केच पेन से सुंदर वचन लिख रही हूँ। शिक्षिका, अध्यापिका क्या कहती है? आम, अच्छा, उत्तमम, बहुत अच्छा। आम उत्तमम, बहुत अच्छा। सुभाषितेन अस्माकं जीवने संस्कारा आगच्छन्ति। क्या शिक्षिका क्या कहती हैं? बहुत अच्छा। सुभाषितेन मतलब सुभाषितों से अस्माकं जीवने, अस्माकं मीन्स हमारे, जीवने जीवन में, संस्कारा आगच्छन्ति संस्कार आते हैं। आगे का देखिए, अधुना अहम सुधा खंडेन सुभाषितानि लिखामि। अधुना मीन्स अब, अहम मीन्स मैं, सुधा खंडेन, सुधा खंड मीन्स होता है चौक, चौक से सुभाषितानि यानी सुभाषित लिखामि, लिखती हूँ। यूयम सर्वे अपि लिखत, यूयम तुम सभी, यूयम सर्वे मतलब तुम सभी, अपि मीन्स भी, लिखत मीन्स लिखो, तुम सभी भी लिखो। अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिया हुआ है, उस चित्र में जो वाक्य दिए हैं उसके अर्थ को हम जानते हैं। पहला है, अहम हस्तेन लिखामि, मैं हाथ से लिखती हूँ। ईशा हस्ताभ्याम
नमस्कारम करोति। ईशा मीन्स या हस्ताभ्याम दोनों हाथों से नमस्कार करती है। हस्ताभ्याम मीन्स दोनों हाथों से, नमस्कारम मीन्स नमस्कार, करोति मीन्स करती है। यह दोनों हाथों से नमस्कार करती है। अगला देखिए चित्र क्या है। मम पिता कार्यानेन कार्यालयम गच्छति। मम मीन्स मेरे, पिता कार्यानेन मीन्स कार से या कार के द्वारा, कार्यालयम मीन्स कार्यालय को, गच्छति मीन्स जाते हैं। मेरे पिता कार से कार्यालय को जाते हैं। पेज टर्न कीजिए आप लोग, देखिए नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 83। अगला चित्र देखिए, इसमें वाक्य लिखा हुआ है, सा बालिका नासिकया पुष्पाणि जिघ्रति। सा बालिका वह लड़की, नासिकया मीन्स नाक से, पुष्पाणि फूलों को, जिघ्रति सूंघती है। वह लड़की नाक से फूलों को सूंघती है। दूसरा है, सर्वे नयनाभ्याम पश्यन्ति। सभी, नयनाभ्याम मीन्स दोनों आंखों से, पश्यन्ति मीन्स देखते हैं। पादाभ्याम चा चलन्ति। पादाभ्याम मीन्स होता है दोनों पैरों से, चलन्ति मीन्स चलते हैं। सभी दोनों आंखों से देखते हैं और दोनों पैरों से चलते हैं। आगे है, अभिषेका आराध्यया सह अस्ति। अभिषेक आराध्या के साथ है। अगला वाक्य है, विराट महेंद्र चा कंदुकेन खेलतः। विराट और महेंद्र, कंदुकेन मीन्स गेंद से, खेलते हैं। विराट और महेंद्र गेंद से खेलते हैं। चा मीन्स और होता है। आगे, सैनिकाः शस्त्रैः युद्धं कुर्वन्ति। सैनिक शस्त्रों से युद्ध करते हैं। युवको संगणकेन वार्तालापं कुरुतः। युवको मीन्स दो युवक, संगणकेन मीन्स कंप्यूटर से, वार्तालापं वार्तालाप मतलब बातचीत, कुरुतः करते हैं। दो युवक कंप्यूटर से बात करते हैं। तो इसी के साथ ही बच्चों, इस पाठ का अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल मीना ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।